नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं न्यूज 444। मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और तिथियों का निर्धारण भी लगभग तय हो चुका है। इसी बीच ग्राम कचहरी सचिवों का सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, यही विषय है आज। इसी विषय पर हम बात करेंगे कि आखिर ग्राम कचहरी सचिवों के संबंध में सरकार ने अपना निर्णय क्यों नहीं लिया। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है, सरकार की एक नीति है जिसके तहत सरकार किसी को अस्थाई करके अस्थाई नौकरी देना नहीं चाह रही है। यह एक गुलामी की तरह है जिसमें किसी को नियोजन पर रख के और गुलामों के जैसा कार्य लिया जाए और उसे उचित मानदेय और पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाए। एक तरफ इसके लिए सरकार जहां दोषी है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग भी कम दोषी नहीं हैं। आए दिन हमें ये देखने को मिलता रहता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर ग्रुप बन रहे हैं, इतने सारे ग्रुप का संचालन लोग कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप का। मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे इसके बारे में सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जब आप लोग इतने व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में सक्षम हैं तो ग्राम कचहरी सचिवों का आवाज़ उठाने में आप लोग सक्षम क्यों नहीं। अभी तक जहां तक देखा गया है सिर्फ क्रांतिकारी ग्रुप वाले ही आगे बढ़कर सामने आए हैं और सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते रहे, लेकिन क्रांतिकारी ग्रुप को भी पूरे बिहार के सचिवों का संपूर्ण समर्थन नहीं है, जिसके चलते आज क्रांतिकारी ग्रुप भी असमंजस की स्थिति में है कि क्या करे क्या नहीं करे। आज पूरे बिहार के जिला अध्यक्ष जो बने हुए हैं, कब इन लोगों का चुनाव किसने करवाया, कब जिला अध्यक्ष लोगों का और ये जो कमेटी बनाए हुए थे इन लोगों का चुनाव कब हुआ था, चंदा तहसीलने के लिए चुनाव हुआ था। बार बार कभी 200 रुपया दे दीजिए, कभी 300 रुपया दे दीजिए, कभी 400 रुपया दे दीजिए, मुख्यमंत्री राहत कोष में देना है, क्या है सब, यह क्या है, क्या हो रहा है। पंचायत शिक्षक से ज्यादा मजबूत है ग्राम कचहरी सचिव, या विकास मित्रों से ज्यादा सुविधा सरकार देती है ग्राम कचहरी सचिवों को, कितने राशि दिए हैं पंचायत शिक्षक लोग पूरे बिहार के जो हैं। मैं जो मांग रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में पंचायत शिक्षकों को सबसे उत्तम दर्जा दिया गया है सरकार के द्वारा। इस महामारी के अवसर पर पंचायत शिक्षक का संघ कितना राशि का सहयोग किया है, आप जरा बताएंगे। दूसरी तरफ विकास मित्र जो कि मुख्यमंत्री जी के चहेते हैं, लिख लोरा पढ़ पत्थल विकास मित्रों को महानुभाव बना के बैठाया गया है, प्रखंड मुख्यालय में कार्यालय खोला गया है। ऐसे में हम लोग ग्राम कचहरी के सचिव जाएंगे मुख्यमंत्री को चंदा देने, 200 रुपया की ये लीजिए, हम लोग ग्राम कचहरी सचिव हैं, 6,000 में हम लोग काफी सुखी संपन्न है, ये 200 रुपया हम लोग एक रोज की जो है कि मानदेय की राशि आपको दे रहे हैं कि आप चलाइए। क्या हो रहा है सरकार में, साबुन और कफन वितरण के नाम पर मुखिया लोगों को राशि का वितरण किया गया, सरकार 9-9 लाख रुपया भेजे हुई है, कफन बेच के मुखिया जी लोग खा गए, कोई खोजने वाला है। एक एक विधायक 1-1 करोड़ रुपया दिया है सरकार को, कोई राशि का उपयोग कहीं दिखाई दे रहा है स्थल पर कि कहीं कुछ हुआ हो। ये लूट खसोट की सरकार है, ग्राम कचहरी सचिव विरोधी सरकार है। सारी बातें अगर कह दी जाए तो सरकारी कार्रवाई करने के लिए पदाधिकारी लोग तैयार हो जाएंगे कि भाई ये सरकार विरोधी गतिविधि है, लेकिन वास्तविकता तो यही है। जब चौधरी कमेटी अनुशंसा कर चुकी है तो उसको लागू करने में क्या दिक्कत है, इस बात को जाकर सरकार से पूछना चाहिए कि 200 रुपया चंदा कलेक्शन वो भी अपने निजी खाते में, ये एकदम 420 और फर्जरी का मामला है, अगर इसको उठा दिया जाए तो मांगने वाले लोग जेल के अंदर नजर आएंगे। गनीमत कहिए कि एक सचिव होने के नाते सचिव का आदर कर रहे हैं हम लोग, कहीं लिख कर नहीं दे रहे हैं, यह सब क्या बात करते हैं मूर्खों जैसी। 200 रुपया दीजिए मुख्यमंत्री को देना है, शर्म आनी चाहिए कि ये तो कुछ नहीं 15 वर्षों में, और आज कह रहे हैं कि 200 रुपया दीजिए, अभी जाइए आप मुख्यमंत्री जी से मिलिए और पूछिए। सवाल यह है कि ग्राम कचहरी सचिव लोगों का आज तक चौधरी कमेटी की अनुशंसाएं लागू क्यों नहीं हो। खाता संचालन के विषय में सारे डीएम से मंतव्य का मांग किया गया था, सभी जिला पदाधिकारी मंतव्य दे चुके, विभाग एकदम सन्न है,
कहीं से कोई कार्रवाई नहीं, क्या है यह सब? ग्राम कचहरी सचिव किसी को 200 रुपया क्यों दे? खाने के लाले पड़े हुए हैं ग्राम कचहरी सचिवों के पास। क्वारंटीन सेंटरों पर अवैध नियुक्ति कर दी गई है, जाने कितने संक्रमित होंगे कल होकर उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। सरकार लगातार जो है कि निगेटिव रवैया अपना रही है, और यह संघ के कुछ लोग हैं कि भाई उनको वसूली से ही फुर्सत नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण करने से संघ चलेगा, संघ चलाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है। अब कहेंगे कि आप क्यों नहीं करते, मैं क्यों करूं? मैं ग्राम कचहरी सचिव हूं, मैं अपना जो काम है मैं करता हूं, संघ का संचालन मैंने तो, मैं नहीं गया था संघ बनाने की भाई मुझको अध्यक्ष बनाओ, मुझको माला पहनाओ, फूल का पगड़ी बांधो, यह काम मैं नहीं करता हूं, यह काम आप किए हैं तो जवाबदेही भी आपकी है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब जाइएगा जेल, वसूली अगर बंद नहीं कीजिएगा निजी खाता में मुख्यमंत्री के नाम पर राशि का वसूली, ऐसा नियम तो आज तक पूरे बिहार में कभी हमने देखा ही नहीं। मुख्यमंत्री के यहाँ जो भी राशि दी जाती है वह सीएम रिलीफ फंड का अकाउंट है, ऑलरेडी हर जगह वेबसाइट पर उसका जो है लिंक मौजूद है, डायरेक्ट वहां दी जाती है, न कि किसी थर्ड पर्सन को दिया जाता है। दलाली का भी एक हद होता है, शर्म कीजिए। फोन करने वो फोन नहीं उठाते हैं ये लोग जो 200 रुपया मांग रहे हैं। काम की बात की जाए तो गाली बोलिएगा, जब वास्तविक बात आपसे पूछा जाएगा तो आप निगेटिव बात कीजिएगा। और समय समय पर ये क्या है, कभी 200 कभी 300 कभी 400 कभी 500, ये क्या है, किस काम के लिए आपने किया क्या है अभी तक? ग्राम कचहरी को आपसे सवाल पूछने का अधिकार है कि नहीं है? एक सचिव जो आज तक आपको चंदा देता है वो आपसे पूछ सकता है कि नहीं? आप जवाब देने के लायक हैं? आपका फोन बंद है। आज मैं पूरे बिहार के ग्राम कचहरी सचिवों से सादर अनुरोध करता हूं कि कोई भी भाई किसी के बहकावे में नहीं है। ग्राम कचहरी सचिव इस हालत में नहीं है कि कहीं जाकर मुख्यमंत्री के राहत कोष में कुछ सहायता कर सके। ग्राम कचहरी सचिवों को खुद सहायता की जरूरत है। दूसरी बात है कि बिहार के और भी कर्मी हैं, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, पंचायत शिक्षक हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, ये सारे लोग सरकार के चहेते लोग हैं। इन लोगों ने अभी तक सरकार को एक पैसा का भी राशि का सहयोग नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में ग्राम कचहरी सचिवों को यह कहना कि आप मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में मेरे खाते में राशि दीजिए, यह सरासर गलत और अनुचित बात है। इस बात का मैं विरोध करता हूँ और बार बार आपको कहता हूँ कि इस बहकावे में नहीं आना है, एक भी पैसा नहीं देना है। ये लोग आज तक कुछ नहीं किए हैं, आगे भी कुछ नहीं करेंगे। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब कुछ नियमावली बनने का जो भी संभावनाएं थी वह खत्म होने के कगार पर है। अभी सरकार से कोई आशा नहीं किया जा सकता है, यह सरकार ग्राम कचहरी विरोधी सरकार है। इसके लिए आपको एक बार एकजुट होकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करना होगा, यही एक रास्ता है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का। उसके बाद भी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं कि आपके आंदोलन करने से सरकार आपकी बातों को सुन लेगी और आपका काम कर देगी, लेकिन यह एक आपका जो है कि औचित्य बनता है कि आप एक बार सड़क पर उतरे अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखे, अन्यथा सरकार समझती रहेगी कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप भली भांति अपना कार्य कर रहे हैं, 6000 में आप सुखी हैं, आपको और देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप सभी लोगों को एकजुट होना होगा, एक मंच पर आना होगा, और उसके लिए आपके जो जिले के जिला अध्यक्ष लोग हैं वे लोग मौन साधे हुए हैं, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ भी नहीं किया जा सकता, आप लोग जल्दी से जल्दी विचार कीजिए, निर्णय लीजिए, और सभी लोग निर्णय लेकर एकजुट होकर अगले 2 माह के अंदर आचार संहिता लागू हो जाएगी, फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। जो करना है सो त्वरित गति से कीजिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक।